नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं आपको जो PM स्कॉलरशिप योजना है या दोस्तों प्रधानमंत्री यशस्वी जो छात्रवृत्ति योजना है उसके जो है डिटेल बताने वाला हूँ, किन किन को छात्रवृत्ति मिलेगी और जो है क्या जो है योग्यता रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले जो 9वीं और 11वीं क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, सभी को मिलेगी। ठीक है, और ये जो है नेशनल जो है टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा एग्ज़ाम प्रोवाइड की जाती है। अब एग्ज़ाम कब होगी ये भी बताऊँगा। उस एग्ज़ाम में आपके अच्छे अंक आते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। 9वीं कक्षा वालों को जो है 75,000 रुपये और 11वीं कक्षा वालों को 1,25,000 रुपये जो है स्कॉलरशिप गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, और फॉर्म भरने की जो है आप तिथि देख सकते हो, आपकी डेट है जो है लास्ट डेट है 10 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 10 अगस्त तक आप जो है फॉर्म भर सकते हो। आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनका फॉर्म आप जल्दी से अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, और इनकी जो है योग्यता मैं आपको बता दूँ, यदि आप 9वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको 8वीं कक्षा इसी सत्र की होनी चाहिए। 8वीं कक्षा इसी सत्र में आप पास हो और आपकी जन्म डेट है 1/4/2007 से लेकर 31/3/2000 जो है 2011 तक होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी। और जो यदि आप 11वीं में प्रवेश कर रहे हो तो आपकी जो 10वीं कक्षा है वो इसी सत्र में होनी चाहिए पास, और आपको जो है 1/4/2005 से लेकर 31/3/2009 तक आपके जो है जन्म डेट होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये 2 कक्षा वालों को मिलेगी, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंटों को। ठीक है, तो यदि अभी आपने करी है पास 8वीं और 10वीं तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर देख सकते हो, 8वीं और 10वीं की मार्कशीट रहेगी, छात्र छात्रा का जो जो भी आप फॉर्म भरे उसका आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, साथ ही आय प्रमाण पत्र। ठीक है, और ये छात्रवृत्ति आपको ध्यान रखना है, ओबीसी जो है ओबीसी और SNT जो DND कैटेगरी वाले हैं उनको ही जो है मिलेगी। तो इनका जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। परीक्षा जो तिथि यहाँ पर देख सकते हो, 29 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, और उस एग्ज़ाम का जैसे रिजल्ट आता है उसमें आपके अच्छे अंक आएंगे तो आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है ये भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, और एग्ज़ाम फॉर्म है ये आपका फ्री में भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और आपका जो है 11 जो है आपका यहाँ पर आपको देखना है कि आपको इनकम जो है यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगेगा, इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तभी आपको मिलेगा। ठीक है, इनकम जो है आपके 2.5 लाख से कम हो, और साथ ही जो है आपकी एग्ज़ाम है वो होगी आपकी 29 सितंबर को और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, और आपके 30 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम में पहुंचना है, रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, इसमें सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ, नॉर्मल मैथ आएगी। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस रह चुका है, जैसे आप 11वीं में प्रवेश करते हो तो 10वीं तक की जो है मैथ, साथ ही 9वीं में प्रवेश करते हो तो 8वीं तक की जो है आपकी मैथ आएगी। ठीक है, और आपकी साइंस आएगी और सामाजिक आएगी और जो है GK है साथ में ही, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपका 30 नंबर की मैथ आएगी और 25 नंबर की साइंस आएगी और 25 नंबर का आपका जो है GK और 20 नंबर की आपकी रीजनिंग जो है आएगी। ठीक है, और उसमें पास जो है 35% कम से कम आपके होने चाहिए तभी आप जो है स्कॉलरशिप ले पाओगे। ठीक है, 35% से नीचे जो है आपके कोई चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, और इसमें सिलेबस आपका जो है पूरा NCERT का ही आएगा। ठीक है, NCERT का सिलेबस आएगा, जो 9वीं के लिए जो 8वीं कक्षा का सिलेबस है और 11वीं के लिए 10वीं कक्षा का जो सिलेबस है NCERT का यही आएगा। ठीक है, और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 2 साल तक। जी हाँ दोस्तों, 2 साल तक आपको जो है 8वीं कक्षा जो 9वीं कक्षा वाले हैं उनको 75,000 रुपये और 11वीं कक्षा वालों को 1,25,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की लेकर डिटेल। कोई आपकी जो है प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद।